पता है कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग लहंगा खरीद के जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल नेहा शिवा ऑफिशियल पे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग जा रहे हैं 80 घाट, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे बाढ़ आया। तो सुबह बनारस है वो भी डूब गया है और वहाँ पे जो भी सब कुछ है सब कुछ डूब गया है। तो हम लोग जा रहे हैं देखने, क्योंकि हमें सुनने में ये चीज़ आया है। तो हम लोग आपको देख के बताते हैं। और ये मीना भी है, इसको भी दिखाओ। ये वही है गाइस जो नदी का सनक कर रही थी। ये नेहा है, ये पहली बार नहा रही है। ये विकास है, ये भी पहली बार नहा रहे हैं। और ये शिवा पाठक जी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस मेरा तेल खत्म नहीं हुआ था, मेरे गाड़ी का हुआ था और पेट्रोल भाई हो गई। तो गाइस आगे देखिए। 80 घाट का निरीक्षण करने के लिए आयुष भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। और पानी यहाँ 80 घाट रोड पे हम लोग हैं और यहाँ पे सुबह बनारस वगैरह सब डूब गया है, सारा डूब गया है। हाँ भैया, और सब इधर का सारा डूब चुका है और इधर का भैया ये पानी में आ रहे हैं। ये यहाँ पे है, आगे मत जाइए गाइज, नहीं तो गाइज हो जाएंगे आप, बह जाएंगे तो हम आपको लेने वोने नहीं जाएंगे। देखिए कसम बता दे रहे हैं, यहाँ तक रोड पे पानी आ गया है। जैसा कि देख सकते हैं और यहाँ लाइट वाइट बंद कर दिया गया है। और ये इसे ही पैदल मजा लेते हुए लोग जूता चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक और ये खतरनाक बाढ़ आया है। बहुत है। पूरा लाइट वगैरह सब ऑफ कर दिया गया है। आप क्या करने यहाँ पटक आई है 80 घाट पे? पानी का स्तर कितना है? पानी का स्तर तो बहुत ज्यादा है। वैसे तो हम लोग बाढ़ में नहीं डूबेंगे क्योंकि हम लोग BLW पे रहते हैं। ये देखिए यहाँ भी सेल्फी लेती एक महिला पाई गई है। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या सेल्फी। एक समय था कि ये पार्किंग जो है भरा रहता था, इसमें गाड़ी ओड़ी लगाने की जगह नहीं रहती थी, जो गाड़ियाँ यहाँ फंस गई। और ये है हमारा पैलेस ऑफ गंगेश, जो है यहाँ पे जाने का रास्ता। और नीचे पूरा पानी ऐसे जमा हुआ है आगे तक, इसमें जो जाएगा डूब जाएगा। एक बार जाके देखिए आप। नहीं मुझे पता है क्योंकि ये ऐसे ढलान वाला रास्ता है ना। हाँ, क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ कि ये जो रास्ता है 80 घाट पे, ये ढलान वाला रास्ता है। हाँ, इसमें जो भी जाएगा वो डूब जाएगा। ये तो डूब जाएगा बिल्कुल भी। चाचा नहीं देख रही कितना स्ट्रगल से जा रहे हैं, अब आगे डूबते चले जाएंगे। आती महिला, इन लोगों को कितना मजा आ रहा है बाढ़ के पानी में घूमने में। ये सब लोग हैं गाइज और देख ही सकते हैं। और गाइज ये सामने फिरंगी दीदी बैठी हैं, बड़ा ही सुंदर महिला है गाइज, मजा आ गया इनको देख के गाइज, बहुत ही सुंदर महिला है ये, देख सकते हैं गाइज। ये देखते डॉगी गाइज, ये खड़ा है गाइज, रेस्टोरेंट भी डूब जाए गाइज। इतना पढ़ने लिखने के बाद शेक बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम भी दुकान खोलेंगे, इन्हीं के दुकान पे आज से पियेंगे गाइज। आ रहे, बहुत ही मजा आ रहा है। ये जो मजा है ना, ये सबको एक बार दुनिया के हर एक इंसान को मैं देना चाहता हूँ। लंका पे आइए, कोल्ड कॉफी पीजिए, पनीर मोमोज वेज मोमोज का टेस्ट लीजिए, बहुत ही मजा आता है। और इतना पेट भर खाइए कि सुबह लूज मोशन हो जाए। रोड पे खड़े होके लोगों को देखते हुए धूल मिट्टी सब खाओ। ये बिना दी है, पहली बार खा रही है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता है जाने के लिए। सो गाइस रोड पे खाने में और रेस्टोरेंट में खाने में बहुत फर्क है। टिश्यू पेपर रोड पे भी मिलता है और मजा रोड पे भी आता है। yes. बहुत मजा आता है। सो गाइस हम लोग बाहर से घूम के आ गए हैं और वहाँ पे 80 घाट पे बहुत ही ज्यादा भयंकर बाढ़ आया हुआ है। और वहाँ पे मतलब आप बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं रहे, पूरा पानी एकदम रोड तक आ गया है। तो वहाँ की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अभी देखिए पानी कितना आगे बढ़ता है, हर साल यही होता है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। सो मैं शिवा जी से पूछना चाहती हूँ कि उनको कैसा लगा बाढ़ देख के। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या फील हुआ बाढ़ देख के। सबसे पहले माइक थोड़ा दूर रखें। ओके दोस्तों, अभी हम मेरे को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अभी मैं भीग रखा हूँ, एकदम भीग गया हूँ। yes. तो भीग क्या रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा हालत गड़बड़ है।
और गाइस जो बाढ़ आती है ना हर साल की, उससे कई गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनका घर उजड़ता है. yes. और उससे बहुत सारा लॉस होता है. फायदा मुझे नहीं लगता फायदा कुछ होता होगा, लॉस बहुत सारा होता है, तो नहीं आना चाहिए. और जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उस बाढ़ का नज़ारा लेते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, पर ये मतलब थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस उनका है जिनका वहाँ पे मतलब हमेशा एक साल तक मतलब जिंदगी भर जिनका वहीं पे निकल जाता है धंधा पानी में, जैसे चाय की गुमटी हो गई और छोटे मोटे स्टॉल्स हो गए, तो वहाँ पे ये सब बहुत सारे क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के, क्योंकि वो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस घाट है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होती है. मैं माइक ले आके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अपना लगाना चाहिए. सो ये माइक यही यही हुआ है. तो बाढ़ देख के तो बहुत ही मज़ा आया और मुझे माइक नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा माइक हो जाएगा. सो गाइज आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और इस फूल की तरह को ढेर सारा प्यार दीजिए, एकदम हरा भरा कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके. और शिवाजी भी आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए प्लीज. सो गाइज ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए टपाटप, जितने भी वीडियोज होते हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे. और नेहा पाठक जैसे लोगों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये मस्ती करते रहते हैं और इनका मस्ती आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा होता है. सो गाइज इन्हीं शब्दों के साथ